हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मटन करी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो मेरी वीडियो में आप लगातार बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए मटन करी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है अगर इस तरीके से बनाओगे। तो ये देखिए, मैंने 1 kg मटन लिया है। मटन बिल्कुल फ्रेश है हमारा, आप देख पा रहे होंगे। जब भी आप मटन बनाएं बिल्कुल फ्रेश मटन लेना है। ये मैंने प्याज किए हैं, लगभग 5 प्याज मैंने बड़े साइज़ के कट कर लिए हैं। मैंने 2 ये हरी मिर्ची ली है, 2 टमाटर, और ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, लहसुन की कलियाँ ली है। और ये मैंने नमक लिया अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 छोटी चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटी चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है मैंने, और 1 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिनमें से 2 बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कट कर लिया है बारीक पीसेस में। तो चलिए मटन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर लिया है, तो आज हम कुकर में मटन बनाएंगे, बिल्कुल फटाफट तरीके से बनाएंगे। बट मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ। तो ये मैंने कुकर लिया है, कुकर के अंदर मैं लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डालूँगी। मटन जब भी बनाओ तो सरसों के ऑयल में ही बनाना चाहिए, सरसों के तेल में मटन बहुत ही शानदार बनता है। तो ये देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। वैसे ये क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 200 ml के लगभग है ऑयल। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होता है, तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर डाल दिए हैं, और ये मैंने लहसुन डाल दिया है, और अब डालेंगे अदरक। अदरक आप चाहो तो पेस्ट भी बना सकते हो, बट आप वैसे भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना के रेडी कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है इससे। तो चलिए, मैंने हमारा जो ऑयल है वो भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, और जीरे को हल्का ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा जीरे के साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले भी आप ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो, किसी को पसंद होते हैं किसी को नहीं होते हैं। और जीरा पकने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज, और प्याज को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। और इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, प्याज हरी मिर्च को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है, दोनों चीज़ों को एक साथ। और आप जब भी मटन बनाओ तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, प्याज से मटन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप जब भी मटन बनाओ तो प्याज उसमें ज़्यादा ही पड़ते हैं। तो ये देखिए, प्याज और हरी मिर्ची हमारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है फ्राई, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट। इससे बहुत ही मस्त ग्रेवी बन के रेडी होगी। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मटन बनाने की विधि बता रही हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा की चीज़ नहीं डाली है, जो चीज़ें हमारे घर में हर टाइम अवेलेबल रहती है मैं उसी चीज़ को यूज़ में लेती हूँ, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये देखिए, हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छे से उबाल आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक के रेडी हो गई है। अब बारी आती है मसालों की, तो पहले हम मसालों का घोल बनाएंगे। घोल अगर मसालों एक बर्तन ले लेंगे, और अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और अब हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना पसंद है कम या ज़्यादा। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इसके अच्छे से ग्रेवी, फाइन ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से मटन बनाओगे, अगर इसमें घोल बना के डालोगे सब्जी के मटन के अंदर मसालों का, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चीज़ से। ये भी एक इफ़ेक्ट ही है, बहुत ही मेन स्टेप होता है ये भी। अगर मटन बनाओ तो आप अगर इस तरीके से ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मस्त बनता है। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर प्याज अच्छे से पकने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिए हैं मसाले का घोल, और इसको कर देंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स।
ये देखिए हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना है इसको भी, क्योंकि टमाटर प्याज लहसुन तो हमारे पहले से पक चुके हैं और अब हमें मसाले की बारी आती है, तो मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। गैस का फ्लेम हाई कर देना है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फटाफट बन जाता है इसे। तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो भी पक रहे हैं। मसालों की एक खासियत है, मसाले जब पक जाएंगे तो ऑयल इनसे अलग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे मसाले जब तक पकते हैं तब तक हम मटन को वॉश कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो मटन को वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। उनसे टेस्ट ख़राब होता है और अपने हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं वो, तो इसलिए उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मटन को धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे एक एक पीसेस को धो रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे करके मैं पूरे मटन को धो के और अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है ये मटन हमारा। और इधर हम देख लेते हैं हमारा मसाला रेडी हुआ है नहीं तो। ये देखिए मसाले में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है और रेडी भी हो चुका है। बहुत ही मस्त ग्रेवी बन के रेडी हुई है, शानदार ग्रेवी बन के रेडी हुई है। ये देखिए मसाला भी बिल्कुल रेडी है मटन के लिए। तो अब हम इसके अंदर मटन डाल देंगे, मटन के सभी पीसेज हमें इसके अंदर डाल देने हैं। ये देखिए आप जब भी मटन बनाओ तो मटन को धोना ज़रूरी है, लगभग 2-3 बार इसे अच्छे पानी में से निकाल लो, वरना इसके एक एक पीसेस धो लो। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है मटन के अंदर। तो ये देखिए मैंने पूरा मटन इसके अंदर ऐड कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप कभी भी मटन बनाओ तो इस तरीके से बनाना, सबको बहुत पसंद आएगा। और अभी फ़िलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मटन हमें खा लेना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और सर्दी में मटन खा लेना चाहिए, टेस्टी भी लगता है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने मटन को मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से कर दिया है मिक्स, आप देख पा रहे होंगे। ये प्रोसेस हमें लगभग 5 मिनट तक चम्मच की सहायता से और मटन को मसाले के अंदर मिक्स करना है, ताकि मटन के पीसेस बड़े होते हैं और मसाला उसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो ये देखिए हमारा मटन और मसाला बिल्कुल अच्छे से हो चुका है मिक्स, बहुत ही शानदार कलर भी आया है और बहुत ही मस्त ग्रेवी बनके भी रेडी हो गई है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, कुकर के ऊपर ढक्कन लगा दे देंगे और लगभग 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे। सीटी नहीं लगाना है, सिर्फ 2 मिनट तक हमने पकाया है ताकि जो मटन है वो अपना पानी छोड़ दे, मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए मटन। तो ये देखिए 2 मिनट बाद में हमने ढक्कन हटा दिया है और जो मसाला है वो, मटन है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, पानी छोड़ दिया उसने अपना। तो ये देखिए हमारा मटन और मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, घुल मिल गए हैं बिल्कुल अच्छे से। इधर दूसरे गैस पे हमने रख दिया था पानी उबालने के लिए, तो पानी भी हमारा उबल के रेडी हो गया है। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए, गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी से अच्छा टेस्ट आता है, ठंडा पानी नहीं डालना है। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी मटन के अंदर पानी ऐड करो तो आप गर्म पानी ही ऐड करना, इससे मटन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर ठंडा डाल दोगे तो मटन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, लगभग आधा लीटर पानी हमें डालना है इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर आधा लीटर पानी डाल दिया है और अब हम इस पानी को भी बिल्कुल मसाले और मटन के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने ये 1 किलो मटन लिया है तो उसमें मैंने आधा किलो पानी डाल दिया है वैसे तो, जिससे बिल्कुल भी परफेक्ट ग्रेवी बन के रेडी होगी, आप हमारे वीडियो में देखते रहें। तो ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे जो मटन के पीसेस हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से टाइट हो चुके हैं ये पीसेस। तो ये देखिए हमारा मटन में ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए ग्रेवी कितनी शानदार ग्रेवी बनी है। और अभी बनी नहीं है, अभी तो सीटी लगवानी बाकी है क्योंकि मटन हमारा बिल्कुल कच्चा ही है अभी तो। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और लगभग 5 सीटी लगने देते हैं। 5 सीटी के बाद में हमारा मटन है वो रेडी हो जाएगा। बट आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 5 सीटी में ही मटन बन के रेडी हो, वो तो किस चीज़ का मटन है उस पे डिपेंड करता है। तो आप चेक कर ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी 5 सीटी में ही बने, आपका पहले भी बन सकता है, बाद में भी बन सकता है।
बट मैं यहाँ पे 5 सीटी लगा रही हूँ इसके अंदर। ये जो मटन है वो 5 सीटी में बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम सीटी लग चुकी है और कुकर का ढक्कन खोल देते हैं, देखते हैं बना है या नहीं बना। तो ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है और चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल पहले तो करेंगे अच्छे से मिक्स चम्मच की सहायता से। ये देखिए मटन हमारा बिल्कुल हो चुका है रेडी। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, इतनी ग्रेवी तो होनी ही चाहिए मटन में, क्योंकि हम इसे जब चपाती के साथ खाते हैं तो इतनी ग्रेवी होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए कितना शानदार मटन बन के रेडी हुआ है हमारा, बहुत ही अच्छा मटन बन के रेडी हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मटन के अंदर और ग्रेवी और कलर कलर देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर कलर आया है इसका और ग्रेवी भी बिल्कुल मस्त बन के रेडी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट था हमारा रेशो ऑयल का और पानी का। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत शानदार बन के रेडी हुई है। तो ये देखिए ऑयल है वो अलग हो जाता है, जब भी हमारी कोई चीज़ पकती है तो उससे ऑयल अलग हो जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी चीज़ है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मटन हो चुका है हमारा रेडी। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और हमें एक पीस निकाल के चेक कर लेना चाहिए कि मटन रेडी हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखिए मैंने ये जो मटन मसाला आता है वो डाला है, जब भी मटन बनाओ तो उसके अंदर मटन मसाला डालो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स ताकि जो इनकी मटन मसाले की और धनिया की जो खुशबू है वो पूरे मटन के अंदर अच्छे से जा सके। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट तक, और 2 मिनट के बाद में हमने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ। ये देखिए मैं इसको अलग बर्तन में निकाल के सर्व कर देते हैं। कितना शानदार मटन बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे मटन का। तो ये आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी ग्रेवी बन के रेडी हुई है, बहुत ही शानदार। इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ और डाल दी है ताकि ये सुंदर भी लगे और अच्छी भी लगे, खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो बहुत ही अच्छा मटन बन के रेडी हुआ। मैं आपके लिए नई नई रेसिपी हर बार इसीलिए लेके आती हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि मटन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।